फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है माय फूड को और मैं रजनी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है मिक्स बीन पैटी। ये रेसिपी शायद ही आपने पहले कभी ट्राई की होगी और इसे बनाने के लिए मैंने यूज किए ढेर सारी चीजें। आपको जो पसंद है आप यूज कीजिए, जो नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बीन्स रहेगा मेरे लिए तो आप उसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये मिक्स बीन पैटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चॉपर में ले लेंगे काले चने, राजमा, छोले, चना दाल, इन सबको चॉप कर देंगे फटाफट से एक या दो मिनट के लिए। और ये कोर्सली ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड इसको नहीं करना है। और इसको निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। मिक्सिंग बाउल आप थोड़ा सा बड़ा लें, आपको मिक्स करने में इजी रहेगा। अब ज़रा सा इसको मैं कर लूँगी मिक्स हाथ से। इसमें डाल दिया है मैश पटैटोज, पनीर, पनीर के बाद जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, गाजर ग्रेट किया हुआ और कॉर्न और थोड़े से ओट्स जिसको मैंने तवे पर सेक लिया था पहले, और मैंने इंस्टेंट ओट्स यूज़ किए हैं। उसके बाद डाला है इसमें फाइनली चॉप प्याज, जिसमें मैं ब्लैक क्रश्ड पेपर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला और लास्ट में चाट मसाला। और इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे हम हैंड्स को यूज़ करके। अरे हम कबाब तो ज़्यादा बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने डाले हैं सिर्फ ब्रेड क्रम्स, ब्रेड को तवे पे सेक के और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। फटाफट से इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। और ये हो गया है हमारा मिक्स। बाकी ब्रेड क्रम्स भी बचे हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं, तीन ब्रेड्स मैंने यूज किए हैं। क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर चीज़ की क्वांटिटी इसमें इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। अभी बन के तैयार हो गया है अलग पैटी। आपको हाथों को कर लीजिए आप ग्रीस और देखिए जैसे मैंने बनाया है साथ में थोड़ा सा इवन कर लिया है साइड से। और जो मर्जी शेप आप इसको दीजिए, सिलेंड्रिकल, राउंड, जो भी मैंने इसको पैटी की शेप दी है। एक और करके मैंने दिखा दिया इसको, फटाफट से साइड से थोड़ा सा इवन कर लीजिए। और एक एक करके मैंने अभी सारे मिक्सर की नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ पांच बनाई है। अब कर लेते हैं इनको फ्राई। फ्राई करने के लिए सबसे पहले नॉनस्टिक पैन को गर्म कर लीजिए। ज़्यादा ऑयल का इसमें यूज़ मैंने नहीं किया है, बहुत ही कम ऑयल डाला है, एक से दो चम्मच मुश्किल से डाला है। अब सारी पैटीज इसमें रख दूंगी एक एक करके और थोड़ा केयरफुली कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी पैटी ये सॉफ्ट बनती है हमारी। और इसको मैं एक से दो मिनट लगेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे से सीख जाए एक साइड से, उसके बाद मैं इसमें अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ऑयल। यह हमारे एक से दो मिनट हो चुके हैं। अब मैंने ऊपर से ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल मैंने जितना हो सके उतना कम यूज़ किया है। आप इसको डीप फ्राई, शैलो फ्राई ना करें, ये नहीं होगा क्योंकि इसे मैंने बाइंडिंग के लिए ज़्यादा कुछ डाला नहीं है क्योंकि ये पैटीज और कबाब है, हमारी टिक्की नहीं है। टिक्की में थोड़ा सा और ज़्यादा हम बाइंडिंग डालते हैं। इसको पलट लेंगे जेंटली, आप चम्मच और टर्नर दोनों की हेल्प ले सकते हैं इसे पलटने के लिए। अच्छे से इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा मैं और ऑयल जिससे ये हम पलटें तो ये अच्छे से इसमें ब्राउन कलर की क्रिस्प से लेयर आ जाए। और ये एक से दो मिनट और बन के ये तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी ऑयलिंग से मैंने और कर दी है। आप चाहे तो इसको और ज़्यादा क्रिस्प कर सकते हैं, मैंने इसको स्टेज पर निकाल दिया है, इतना क्रिस्प इनफ है। और आप फटाफट से ये बनाइए जाके और बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू ट्राई।